उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य के साथ ताल मिलाने में जुट गई है। योगी सरकार ने 2024-25 तक प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए योगी सरकार हर सेक्टर की समस्याओं को समझकर सुलझाने में जुट गई है। नोएडा में तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनाने की क्षमता योगी सरकार को नजर आ रही है। नोएडा वैसे तो रियल एस्टेट के लिए मशहूर है और यहाँ के लाचार हो चुके रियल एस्टेट कारोबार की मदद के साथ योगी सरकार ने यूपी रेरा के बहाने पहली शुरुआत की है। रेरा के मॉनिटरिंग में जेपी कैलिप्सो कोर्ट जिस तरीके से रीस्टार्ट हुआ है और एक सॉल्यूशन की ओर विद इन टाइमलाइंस कंप्लीट होने की जो बात की जा रही है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर रहेगा और कई सारे जो इन्वेस्टर्स या बायर्स हार्ड अर्न मनी स्टक प्रोजेक्ट्स में हैं, अगर इस तरीके का कोई सॉल्यूशन निकलता है, जिन जिन में भी वैल्यू रहा है उन प्रोजेक्ट्स में तो जरूर निकलेगा, तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी रहेगा। सबसे पहले तो यूपी रेरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस पर फंसे प्रोजेक्ट्स को संजीवनी देने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए करी एंड ब्राउन की रिपोर्ट के आधार पर 40 ऐसे प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है जिन्हें प्रमोटर्स और घर खरीदारों को शामिल करके सुलझाया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट्स घर खरीदारों और डेवलपर में मतभेद और प्रोजेक्ट के रेरा में रजिस्ट्रेशन की तारीख के निकल जाने से फंस गए हैं। अभी तक यूपी रेरा इंडिविजुअल आधार पर बायर्स और प्रमोटर्स के मुद्दे सुलझाती रही है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए पहल की जाएगी। कंसिलेशन की दो बेंच का गठन किया गया था, जिसमें से एक बेंच गौतम बुद्ध नगर और एक लखनऊ में कार्यरत है। अब तक दोनों बेंचों में लगभग 500 से ज्यादा केसेस का समाधान किया जा चुका है। यूपी रेरा द्वारा प्रोजेक्ट और बायर्स के बीच जो विवाद की वजह से प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, उनके समाधान के लिए भी कंसिलेशन के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, यह स्वागत योग्य है। इसके साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की मदद के लिए भी यूपी रेरा ने यूपी सरकार और आरबीआई से बड़ी सिफारिशें की हैं। इनमें शामिल है स्टैम्प ड्यूटी में 2% पॉइंट्स की कमी करने का सुझाव दिया है। इसमें मौजूदा रेट 5-7% से घटाकर 3-5% रह जाएगा। साथ ही एग्रीमेंट टू सेल डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रेशन फीस 25% की जगह 1,000 रुपए लेने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यूपी रेरा ने आरबीआई से सिफारिश की है कि वो डेवलपर्स के लोन रीस्ट्रक्चर करने के लिए योजना बनाए। गौतम बुद्ध नगर में काम करने वाले 600 प्रमोटर्स इस वक्त गहरे नकदी संकट का सामना कर रहे हैं। इनके मौजूदा प्रोजेक्ट्स में घर खरीदारों के 50,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। जाहिर है अगर आसान शर्तों पर लोन रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है तो फिर यहां के रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। बिजनेस लोन्स हैं डेवलपर्स के, उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए। ये काफी समय से, पिछले 1 या 2 साल से इस चीज की डिमांड चल रही थी। हम लोग डेवलपर्स की तरह से इसको रिकमेंड कर रहे थे कि अगर ऐसा होता है तो लास्ट माइल जो फंडिंग है, जिसकी वजह से कुछ कुछ प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होंगे और बैंक्स का भी पैसा अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट से ही वापस चला जाएगा। ऐसा होता है तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे ना तो हमारे जितने भी हजारों लाखों होम बायर्स हैं उनको घर खरीदने में बहुत मदद होगी, बल्कि सरकार को भी इससे रजिस्ट्रेशन से काफ़ी पैसे की कलेक्शन होगी, जो कि पूरे यूपी के रियल एस्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। उम्मीद है कि यूपी सरकार जिस मकसद के लिए योजना बना रही है उसमें यूपी रेरा की सिफारिशों को मानना बेहद महत्वपूर्ण कदम है। अब देखना यही होगा कि जमीनी स्तर पर काम करने की मंशा से सरकार नीतियां बनाएगी या फिर वादे हवा हवाई बनकर रह जाएंगे।